तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस के अंत में है गए, यानी कि जब हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ए आता है, जैसे इसमें ना कि गए, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है। पहले लिखते हैं WH वर्ड, तो WH फैमिली वर्ड है। इसमें क्यों, तो पहले हम लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, फिर नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब इसमें गए, यानी कि यहाँ पे जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो, फिर हम लिखेंगे जहाँ भी जाने की बात हो उससे पहले टू लगाएंगे, स्कूल टू स्कूल। Why did you not go to school? तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इसकी इंग्लिश है Why did you not go to school? Why did you not go to school? तो दोस्तों ऐसे और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, जहां पे आपको सभी टेंसेस का सेंटेंस मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट वीडियो में।